तो क्या कर रहे हो आजकल? मैं हूँ आपके आने वाले टाइम का सबसे फेवरेट यूट्यूबर बिला सैकलो वाला। तो यार अभी टिकटॉक का चुतियापा खत्म नहीं हुआ तो इंस्टाग्राम ने सोचा कि मैं क्यों पीछे रह जाऊँ। टिकटॉक की वीडियोस देखते कि हम सब पागल हो गए, तो इंस्टाग्राम ने भी टिकटॉक की रील्स को लॉन्च कर दिया है। जैसे टिकटॉक पे बड़ी ही चुतियापा वीडियोस जो हम सब ने बहुत बार देखी है, अब इंस्टाग्राम पे भी देखेंगे। तो यार मैंने सोचा कि आज आप सब के साथ मिलके इंस्टाग्राम के कुछ फनी वीडियोस को लेके उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप लोग मेरे व्लॉग देख देख के तंग आ गए थे, तो मैंने सोचा कुछ इंटरटेनिंग आपके लिए लेके आऊँ। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यार ये काली सांड तो ऐसे इस कुत्ते को देख के डर गई, जैसे पहले दिन ये पैदा हुई थी इसका बाप इसको देख के डर गया था। तो यार शुक्र करो कुत्ता असली ही था। कुत्ता असली होता अगर गलती से इसको काट भी देता तो 14 इंजेक्शन इस सांड को नहीं वो बेचारे कुत्ते को लगने थे। तो यार ये सांड कितने मजे से बर्गर खाती आ रही है, बंदा कहे तो आगे एक बंदे का काम नहीं है। वो कुत्ते को देख के इस तरह डर गई है कि जैसे इसने काफी महीनों बाद शीशा देखा हो। तो यार बंदा कहे तेरी जैसी सांड को दुनिया से मिटाने के लिए ही जो दुनिया पे बोझ है अमेरिका ने कोरोना नाम की बीमारी को इंट्रोड्यूस कराया था। तो यार ये वीडियो देख के तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि ये लॉकडाउन में हुई वो गलती है जिसे करने के बाद माँ कहती है तू तो मेरा है ही नहीं। बंदा कहे ऐसा तेरा कौन सा कंटेंट है, ऐसा तेरी डुई में कौन सा कीड़ा है कि तूने दरवाजे के ऊपर चल के ही मैट्रेस के ऊपर पाँव रख के नीचे उतरना था। तो ऐसे जो मास्क पहना हुआ बहुत ही फेमस मूवी है स्क्रीम, उसमें जो कातिल मर्डर करता है वो ये मास्क पहन के मर्डर करता है। और इसके माँ बाप ने भी स्क्रीम मूवी देखने के बाद डिसाइड किया होगा कि हम एक ऐसा नमूना पैदा करते हैं जो बड़ा होकर उल्ट पुल्ट वीडियो बनाएगा और हमारा नाम रोशन करेगा। देख लो ये सब वो जाली मर्द हैं जिनकी बर्बादी का राज लक साबुन है। और यार इनके अगर शादी हो भी जाए तो सुहागरात की रात को ये अपनी बीवी को कहते हैं जानू आज तुम्हें मैं हैरान कर दूंगा परेशान कर दूंगा। तो बीवी कहती है हाँ ठीक है करके दिखाओ। तो बाहर जाके दो आदमी लेके आते हैं और कहते हैं जानू हैरान हुई हो? तो बीवी कहती है हाँ मैं हैरान हो गई हूँ अब परेशान करूँ? तो कहते हैं एक तुम्हारे लिए लाया हूँ एक अपने लिए लाया हूँ। मैम आप अपना ना लहंगा पकड़ के इसमें चलते हुए आइए। भैया इतने पतले रास्ते से मैं चलूंगी कैसे? नहीं नहीं आराम से चलोगे, देखो ये पकड़ो आपने ऐसे लहंगा पकड़ना है ऐसे चलते हुए ऐसे करके आना है। अरे भैया अरे कुछ नहीं कोई बात नहीं कोई बात आ जाओ आराम से आ जाइए आप आराम से आ जाइए आ जाइए। जरूर ये वीडियो देख के आपकी हंसी बंद नहीं हो रही होगी। वो कमजोरी की पैदावार सबसे पहले तू जाकर लो लो माय सीन का इंजेक्शन लगवा। सही खेल गया बैंच। बेटा ये तुझसे नहीं होगा, कितने कॉन्फिडेंस से लड़की को कह रहा है कि लहंगा उठा के तो ऐसे चले और जब उसको बता रहा है तो गिरने के बाद शर्मिंदा नहीं हो रहा, उसके कह रहा है कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अबे साले कमजोरी की पैदावार जाके किसी डॉक्टर से इलाज करवा, अगर तू डॉक्टर के पास चला भी जाता तो वो तुझे एक ही बात कहेगा कि तूने दिन में 3 बार केला खाना है और लेना है सुबह दोपहर शाम। तो इस माचो मैन को देख लो जिसको अपनी टुई पलवाने का बहुत ज्यादा शौक है, जो बैन यकियों से बाज नहीं आते और ये किसी मई मुख्तारा के दिल में जगह बनाने के लिए ऐसे स्टंट मार के एंड पे अपनी टुई फलवा देते हैं।
तो यार ये है सोशल मीडिया, भला भला चुतिया पा टिकटॉक पे देखा होगा, लेकिन इंस्टाग्राम पे आपने ऐसा चुतिया पा आज तक नहीं देखा होगा। एक जवान लड़का लड़की गाड़ी में किस कर रहे हैं और साथ ही उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है, तो उसको टैकल करने के लिए भाई साहब की साइंस चेक करो कि अचानक उनकी मर्दानगी खत्म हो के उनके अंदर की औरत जाग गई है, और उस औरत का नाम है एलेक्स भट्टी, अ फेमस टिकटॉकर एलेक्स भट्टी। और जिस भाई साहब सनी देओल की शेप में की बहन यकी चेक कर ले, वो भी एलेक्स भट्टी पार्ट टू निकला है। ये था माशाल्लाह इनका कंटेंट। तो यार आज की वीडियो मैं यहाँ पे ही एंड करने लगा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा कि इसका पार्ट टू मुझे बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, और ऐसी इंटरटेनिंग वीडियो, रोस्टिंग वीडियो मुझे आपके लिए बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए मुझे लाजमी बताइएगा। और व्लॉगिंग तो साथ साथ बनाऊंगा इस चैनल पर, लेकिन ऐसी वीडियो भी बनाऊंगा तो लाजमी मुझे बताइएगा, फीडबैक लाजमी दीजिएगा, क्योंकि यार आपकी फ़ीडबैक से मुझे काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजाई होगी, क्योंकि यार एक वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, ये इतना आसान नहीं है। इसे देखने में आसान होता है, करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एक वीडियो बनाने में काफ़ी दिन लग जाते हैं और उसको एडिटिंग करने में भी काफ़ी दिन लग जाते हैं। तो यार मिलते हैं फिर एक एंड अदर वीडियो में एंड अदर व्लॉग में, तब तक के लिए ओके फिर।